हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, पाकिस्तान से दो बड़ी मजेदार खबरें आ रही हैं। एक खबर ये है कि शहबाज शरीफ का पोल खुल गई है। पता चल रहा है उसको 9 का मल्टीप्लिकेशन का टेबल ही नहीं आता है, मतलब उसको 9 का पहाड़ा ही नहीं आता है। ये वो बड़ी हमदर्दी करते हैं। इनको वीडियो के बाद बताऊंगी मैं। कोई बात नहीं, वहां के आपको वहां के 9 का टेबल नहीं आता, बात कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम को देखना उसे पड़ेगा। यही पता चलता है कितने पढ़े लिखे हैं। 1 का टेबल आ जाए तो दिल भी हैप्पी, उसके ऊपर जाओगे तो डिफिकल्टी आ जाएगी। 10 का 11 का 1 का और 10 का 11 ही करना पड़ता है। 5 का उनके बस की बात नहीं है। 9 का टेबल नहीं आया और दूसरा टेबल आता है वो खुश रहेंगे। और दूसरा जो है वो भी न्यूज है कि भैया जो एटम बम वाला धमकी देने वाला था ना, वो रशीद, उसका भी कोई वीडियो जो है वो वायरल हुई है। तो देखते हैं क्या ये न्यूज है। तो पाकिस्तान से बड़ी मजेदार चीजें आ रही हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या पाकिस्तान के पीएम 5वीं पास से तेज है? ये सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को 9 का पहाड़ा भी नहीं आता। शहबाज एक ऐसे कार्यक्रम में बयान दे रहे थे, बोल रहे थे, जहां सिर्फ ऐसे अधिकारियों का जमावड़ा था, लेकिन 9 का पहाड़ा गिनते हुए वो ऐसी गलती कर बैठे कि उनका मजाक बनने लगा। क्या पीएम सुने, क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को 9 का पहाड़ा नहीं आता? नहीं आता होगा। 9 × 3 = 21 trillion. 9 × 3 नहीं आता तो शहबाज शरीफ तमीज भी भूल गए। जिस देश का प्रधानमंत्री खुद ये मानता हो कि उसकी और उसके मुल्क की हैसियत नहीं, सोचिए वो हिंदुस्तान को पीछे छोड़ने का दम भर रहा है। जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि किसके पास जाकर रोए, जिसे 9 का पहाड़ा तक नहीं आता, वो भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। क्या कमाल की बात है मियां शहबाज। 9 × 3 = कितना? छात्र भी बिना रुके और बिना अटके तुरंत दे देगा। कितना पढ़ा लिखा है। लेकिन मियां शहबाज कहते हैं 9 × 3 = 21। बात तो यह है कि शहबाज शरीफ जिस महफिल में गणित के साथ ही खिलवाड़ कर रहे थे, वहाँ ऐसे सारे टॉप ऑफिसर्स मौजूद थे जिन पर पाकिस्तान के हिसाब किताब की पूरी जिम्मेदारी है, जिन पर पूरे पाकिस्तान के टैक्स कलेक्शन का भार है। ये कार्यक्रम पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का था। इनमें से किसी ने मियां शहबाज को ये नहीं बताया कि हुजूर 9 को 3 से गुना करते हैं तो 21 नहीं होता, 27 होता है। उनको भी नहीं आता होगा, सारे के सारे इधर से तो नहीं थे। समस्या है तो इसका खमियाजा पाकिस्तान को तो चुकाना ही पड़ेगा। खुद शहबाज शरीफ के मुताबिक पिछले 3 साल में पाकिस्तान के 24 खरब रुपए जो की टैक्स के तौर पर सरकार के खजाने में आने चाहिए थे वो लुट गए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने खुलासा किया है कि 750 अरब रुपए का सेल्स टैक्स भी डूब चुका है। शहबाज सरकार ने टैक्स चोरों से वसूली के लिए कानून तो बनाया है, लेकिन फिलहाल वो सबके सामने रो रहे हैं। कर्ज के लिए दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने में उस्ताद शहबाज शरीफ अपनी मजबूरियों का रोना रोते रोते अचानक भारत की बात करने लगे। ये अपने हालात पर कम रो रहे, इन्हें ज्यादा रोना इस बात पर आ भारत रहा आगे है जा रहा। भारत पाकिस्तान से इतना आगे कैसे बढ़ गया। तकलीफ तो यही है सब पाकिस्तान की। भारत का जिक्र करते हुए शहबाज की जुबान पर कटोरा आ गया। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने मुल्क की हैसियत बताने लगे। जब अपने मुल्क की हैसियत पता है मियां शहबाज तो चुप रहने में ही भलाई है, क्योंकि पाकिस्तानी जनता भी समझती है कि भारत से मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। पाकिस्तान के जो मंत्री बम की धमकियां देते थे, परमाणु बमों की बातें करते थे, बड़बोले बोल बोलते थे, उनकी हालत क्या हो गई है जरा ये देखिए। ये क्या कर रहा है वो शेख राशिद जो हिंदुस्तान को कभी परमाणु हमले की धमकी देते थे। रोटी बना रहा है आज, वही शेख राशिद तंदूर पर रोटियां सेक रहे हैं। तस्वीरें किर्गिस्तान के जलालाबाद की है, जहां पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री की ये हालत हो गई है कि वो तंदूर पर खुद रोटियां और नान सेक रहे हैं। क्यों, दुकान खोल ली है? खास बात ये है कि ये वीडियो खुद शेख राशिद के इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया गया है।
ये धंधा शुरू किया क्या? पाकिस्तान में शहबाज सरकार के आते ही इमरान के साथियों का बोरिया बिस्तर पैक हो चुका है, कईयों की गिरफ्तारियां हुई तो कई देश छोड़कर बाहर घूम रहे हैं। और कुछ ऐसा ही शेख राशिद के साथ हुआ, जो आजकल राजनीति से ब्रेक लेकर किर्गिस्तान में है। और वहीं का ये वीडियो है जब वो एक ढाबे पर पहुंचे जहां खुद शीरमाल रोटियां लगाने में लग गए। क्यों भाई? बस तुम यही करना, अब यही तुम्हारा काम हो सकता है। इससे पहले शेख राशिद खुद के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब वीडियो शेयर करते रहते हैं। पहले गधे पे बैठे हुए भी उन्होंने वीडियो शेयर किया था। घोड़ा तो लगे गधा लगा छोटा घोड़ा। अपने सरकार में गृह मंत्री थे, इसके बाद उनकी कई मामलों में गिरफ्तारी की गई थी। फरवरी में ही वो बेल पर रिहा हुए। यही था जो भाग रहा था एक वीडियो में कि वो कोई और था? वो कोई और था। अच्छा भाई मजा आया, दो नमूने देख लिए पाकिस्तान के। एक जिसको 9 का टेबल ही नहीं आता है, आप छोटे से बच्चे से भी 9 का टेबल मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी आता होगा। मुझे तो दिमाग में ये आ रहा है ऋषि को शायद 9 का टेबल फर्स्ट में ही आता होगा। उसको ये भी नहीं आता, कोई बात नहीं भूल गया होगा, ये बोलेंगे। देखिए मैं तो पता चल मेरे को पता करना है उसकी पढ़ाई कितनी की है उसने। जहाँ पे हर जगह कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, कैलकुलेटर यूज हो रहे हैं, मेंटल कोई नहीं होता, सबको इतना पता है। हमें पता है, मैं अब कोई कैलकुलेशन नहीं करती हूँ। मैं इवन अब जब चीजें देनी होती, मतलब पैसा देना होता है, तो क्रेडिट कार्ड यूज कर रही हूँ। मुझे पता है जिनको ये ही नहीं आता ये क्या देश चलाएंगे। और ये तो बंदा लगता भी है कि इसको अगर कोई पढ़ाई किसी नहीं को है। 1 का टेबल आता है तो वो पास हो जाता है पाकिस्तान में इट इज डन। वो ज्यादा टेंशन नहीं लेते, कहते 9 का छोड़ 1 का आता है चलता है काम। बस वही बहुत है हमारे लिए, वही बहुत है। मैं तो कहती हूँ सबसे पाकिस्तान वालों से जो बच गई बातें वो हाथ भगवान ने दिए हैं उससे काउंट करके, वो भी नहीं आता होगा, वो भी नहीं आता होगा। ये ऐसे 1-2 करके मैं तो कह रही हूँ जो साथ में बैठे हुए थे सारे ऑफिसर्स जो बोल रहे थे उनके वहाँ के जो बैठे होंगे, मैं कह रही हूँ ना तो उन लेडीज को ना उन आदमियों को भी आता होगा। ये सारा देश इनके से चल रहा है। और दूसरा बंदा जिसका दिखा रहे थे जो बड़ा बोलता था कि हमारे तो बम्बे हम तो पॉकेट में लेके बैठे रहते हैं और फोड़ेंगे भारत पे, ये वही बंदा है। वो अब जाके उसकी ऐसी मतलब पॉलिटिक्स खत्म हुआ है कि अब उसके वो जाके तंदूरों में जा के ढाबे में काम करता हूँ। हाँ लगता भी है मुझे। और या उसे मजा आता हो या आज आटे की कमी रहती है तो उसको ये है कि इसके आसपास ही रहता हूँ मैं, यही खाना पीने की यहाँ पे खाना पीना रहे मेरे पास। वो देखा नहीं तो कितनी सारी बना के रखी भी थी, वो सारी वो खाएगा बैठ के अभी बना कर। आटे की कमी रहती है तो उसको गोल्ड की तरह है वो खाना। नहीं और घोड़ा देखा था, घोड़े से बड़ी घोड़े से बड़ा तो वो खुद उसकी साइज लग रहा था, उसको शर्म ही नहीं है उसमें घोड़े या गधे को हाइब्रिड है घोड़े और गधे के बीच वाले। मुझे तो वाइट गधा लग रहा था जिस तरह से वो छुटकू सा था और खुद इतना बड़ा, तरस आ जाना चाहिए उसको कि मैं किसके ऊपर बैठ रहा हूँ, मैं अपना साइज तो देख लूं। कमाल है यार, दोनों ही कमाल है। सबसे ज्यादा मजेदार तो मुझे लगा शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैं सोच रहा हूँ तो मुझे यार है वो ये बोलेंगे कि क्वालिफाई करने के लोगों को 0 का टेबल चाहिए और 1 का। जीरो का तो आना ही चाहिए। 0 का और 1 का 10 का भी ऐड कर देंगे। चलो अगर तुम महान हो थोड़े तो 10 का भी आ जाएगा। इससे पूछो 0 times 10 क्या होता है या 0 times 9 1 का टेबल और 10 का टेबल पता चला, ये भी नहीं पता उस बंदे को। मजा ही आ गया। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।